सिलगुड़ी में रामनवमी पर राजनीतिक मतभेद दूर रख एक साथ देखे भाजपा और तृणमूल के नेता। सिलगुड़ी में आज चारों ओर रामनवमी की धूम है। एक के बाद एक शहर में राम भक्तों का रैली निकल रहा है। रामनवमी पर निकाली गई रैली में दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार राजू बिस्टा, सिलगुड़ी विधायक शंकर घोष, माटीगाना नक्सलबाड़ी विधायक आनंदमय बर्मन, फांसी देवा विधायक दुर्गा मुर्मू सहित अन्य भाजपा नेता शामिल हुए। गौरतलब है कि इस शोभा यात्रा में दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पापिया घोष, जिला युवा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष धीरन रॉय और अन्य तृणमूल कांग्रेस नेता राजू बिस्टा और शंकर घोष के साथ शामिल होते दिखे। सिर्फ मास नहीं कर रहे हैं, दोनों पक्ष खदा पहनकर और प्रसाद का आदान प्रदान करते एक दूसरे के प्रति शिष्टाचार भी दिखाते देखे गए। रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और इस बार का रामनवमी और भी खास विशेष इसलिए है कि 500 साल की त्याग तपस्या के बाद भगवान राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं। मैं तमाम राम भक्त कारसेवक उन शहीदों के प्रति मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि है जिनके अथक प्रयासों और बलिदानों के कारण आज भगवान राम 500 साल के बाद अयोध्या में स्थापित हुए हैं। भगवान राम हमारे आदर्श है, हमारी देश की आत्मा है और मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम के बताए हुए मार्ग पे भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सबको गर्व है और भगवान राम तो हम जो है जब हमारा शरीर हम त्याग देते हैं उसके बाद भी भगवान राम का नाम लेते हैं, तो राम के बगैर हम सब अधूरे हैं और आज साक्षात भगवान राम हम सब की आत्मा में है। आप सबको रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, ये क्या एक्स्ट्रा एक माइलेज देगा कि मतलब? देखिए भगवान को लेकर के या चर्च या हमारे गुम्बा को लेकर के मस्जिद को लेकर के इसके साथ राजनीति नहीं जोड़ना चाहिए। ये हमारी आध्यात्मिक हमारी आस्था का विषय है और उसके साथ राजनीति की मिलावट करना कहीं ना कहीं भगवान राम को हमारी श्रद्धा को छोटा करता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा स्वाभाविक रूप से आज पूरा देश मोदी जी के साथ है। राजू जी रामनवमी को छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है, पहली बार रामनवमी को पहली बार छुट्टी की घोषणा की गई है। ममता दीदी को बहुत बधाई और धन्यवाद और देर से ही सही उनको ध्यान में आया कि भगवान राम के बगैर पश्चिम बंगाल अधूरा है, भगवान राम के बगैर देश अधूरा है, भगवान राम के बगैर हम सब अधूरे हैं। स्थान ग्रहण करें आप अखिल भारतीय व्यवस्था के भी प्रमुख हैं। इसी प्रकार मैं श्रीमान मिलिंद पांडे जी जो अखिल भारतीय संगठन महामंत्री विश्व हिंदू परिषद है और हमारे सौभाग्य है कि उनका आज सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। যারা তাদের নাম ভাঙিয়ে তাদেরকে যেন সুমতি দেয় आने हेतु निवेदन करता हूँ और जितने लोग भी यहाँ खड़े हैं मैं सभी से निवेदन करूंगा सर्वोत्तम कि वो अपना अपना आसन ग्रहण करें, स्थान में कृपया बैठ जाए सभी लोग और उसी क्रम में मैं लक्ष्मी नारायण भाला जो अखिल भारतीय कार्यकारी सदस्य एवं भारतीय संविधान में विशेष रिसर्च करने वाले हैं।